Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. कुछ अश्लील फोटो व तीन आपत्तिजनक वायरल वीडियो ने मेरठ कचहरी में तूफान खड़ा कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता इन वीडियो में अपने कार्यालय में रखी गई सहायक के साथ आपत्तिजनक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। उसकी ये हरकत कैमरे में जिस तरह से और जिसने भी कैद की है उसे देखकर समझा जा सकता है कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता का खास जानकार है और ऐसे कृत्यों का राजदार भी। इसके साथ ही हैंड रिटन एक शिकायती पत्र भी तेजी से वायरल हो रहा है जो मेरठ बार एसोसिएशन को संबोधित है। इसमें महिला सहायक के हवाले से कहा गया है कि अखबार में विज्ञापन पढ़ने के बाद वह नौकरी के लिए आई थी। नौकरी पर रखे जाने के बाद उसे काम का हवाला देते हुए शिविर कार्यालय बुलाया गया। यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ उसे पिला दिया गया। होश आने पर उसने अपने कपड़े अस्त व्यस्त पाए। शिकायत की तो अधिवक्ता ने धमकी दी कि उसने उसके अश्लील फोटो ले लिए हैं, अगर विरोध किया तो सोशल मीडिया पर इन्हें वायरल कर दिया जाएगा। इस पत्र पर प्रतिलिपि के सामने मेरठ SSP, महिला थाना, उत्तर प्रदेश कौंसिल प्रयागराज, BCI नई दिल्ली व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिखा है। महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस शिकायती पत्र का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि महिला ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम तो लिखा है लेकिन अपना पता अथवा मोबाइल नंबर अंकित नहीं किया है और इसे ही आधार बनाकर इस शिकायती पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह बात और है कि पूरे कचहरी परिसर में व पुलिस तक यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जिस व्यक्ति, चाहे वह कोई अन्य महिला हो अथवा पुरुष, ने यह वीडियो बनाई है वह निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता का खासा करीब और राजदार है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि कमरे में उसके आने जाने का अधिवक्ता की हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का नाम न छापने की शर्त पर यहां तक कहना है कि यह मामला महिला पहलवान बना ब्रजभूषण शरण सिंह प्रकरण से भी ज्यादा संगीन है। यदि पीड़ित महिला का पता और मोबाइल नंबर शिकायती पत्र में अंकित नहीं है तो अश्लील वीडियो व शिकायती पत्र स्वतः संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है, वह भी तब जबकि ये अश्लील वीडियो व शिकायती पत्र अधिकांश अधिवक्ताओं के मोबाइल में इधर से उधर घूम रहे हैं। इस बारे में जब फर्स्ट बाइट ने युवती के चचेरे भाई से बात की तो उसने बताया कि उसकी जानकारी में भी ये अश्लील वीडियो आए हैं और इस बारे में सोमवार को मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से उसकी मुलाकात ली है। इसमें अधिवक्ता की शिकायत की जाएगी। यह भी जानकारी में आया है कि वीडियो वायरल होने के बाद बचाव में वरिष्ठ अधिवक्ता हनी ट्रैप जैसा मामला उस युवती के खिलाफ बनाने में जुट गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी फर्स्ट बाइट TV की बराबर इस पर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।